गाइज वेलकम टू संजय का व्लॉग। होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइज आज मैं जा रहा हूँ हॉपविल रॉक्स, जो बहुत ही फेमस जगह है यहाँ की न्यू ब्रंसविक की और वर्ल्ड फेमस। यहाँ पे हाई टाइड और लो टाइड आती है यहाँ पे, और जो लो टाइड के बाद का जो नज़ारा है और हाई टाइड के बाद का जो नज़ारा है वो देखने लायक है यहाँ पे। तो चलिए मेरे साथ, मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ हॉपविल रॉक्स विद संजय का व्लॉग। तो गाइस मैं अभी हॉपविल रॉक्स आ गया हूँ और अब यहाँ पे टिकट लेनी है। लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि हमारे सेंट जॉन लाइब्रेरी में, अगर आप वहाँ से आप उसके मेंबर हो लाइब्रेरी के, तो वहाँ पे आपको टिकट फ्री में मिलती है। तो मैंने वो 3 टिकटें ले ली है मेरी फैमिली में, लेकिन मेरी डॉटर की उसके लाइब्रेरी की मेंबर नहीं है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे टिकट लेनी पड़ेगी। अराउंड $15 के आसपास इसकी टिकट का कॉस्ट है। तो चलिए अब हम टिकट लेते हैं और हॉपविल रॉक के अंदर जाते हैं। तो गाइज देखिए, अब मैं अंदर जा रहा हूँ यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे टिकट काउंटर है, जहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे वेलकम का बोर्ड लगा हुआ है। तो चलते हैं वहाँ पे और टिकट लेते हैं। गाइज यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी पास, जैसे मैंने आपको बताया हमारे 3 जन का लाइब्रेरी पास था, तो उनके वजह से उसे $0 लगाया हुआ है। और एक टिकट हमने खरीदी, जैसे मैंने आपको बताया $15.85 की टिकट है, और टोटल टैक्स मिला के 18.23। तो गाइज ये जो पास है वो 2 दिन के लिए वैलिड है, 2 डेज, आज और कल दोनों के लिए ये चलेगा। अभी हम अंदर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ 15 मिनट्स का ट्रेल है, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अंदर की ओर जाते हैं और देखते हैं। वॉकिंग ट्रेल वहाँ पे लिखा हुआ है, और आज काफ़ी अच्छा दिन है, बहुत ही सनी है यहाँ पे, नो क्लाउडी नो रेनी। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वेशन डेक्स। अगर आपको चल के ट्रेल नहीं करनी है तो शटल सर्विस भी ऑल्सो अवेलेबल है यहाँ पे, और वॉकिंग ट्रेल भी है। और ये पूरा यहाँ पे इन्होंने ये मैप दिया हुआ है, ये पूरे ट्रेल है, वॉकिंग ट्रेल है। तो चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं। तो यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो फ्लावर पॉट रॉक्स है, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। और जो हमको रिसीट दी है उसके साथ उन्होंने हमें मैप भी दिया हुआ है कि आपको कौन सी जगह देख सकते हो। तो अभी ये ट्रेल से जाते जाते हम एक एक उसके पॉइंट्स वगैरह देखते हैं, और फ्लावर पॉट रॉक्स जो सबसे फेमस है वर्ल्ड वाइड वो भी देखते हैं। ये एक पॉइंट है, व्यू पॉइंट है बिग कोव। तो चलो जाते हैं अंदर। वाओ, ऑफेल सेलरेप्टर। गाइस यहाँ पे इन्होंने बताया कि हाई टाइड कब होती है और लो टाइड कितने बजे है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि 12:59 को सबसे हाई टाइड होगी, और लो टाइड जो है वो 7:16 PM। और ये एक ऑब्जर्वेशन डेक है जहाँ पे आप जाके देखते हैं। तो अब ये पूरा हाई टाइड है, इसलिए पूरा पानी यहाँ पे आया हुआ है। जब ये लो टाइड होता है तो समंदर ओ साइड की ओर चले जाता है, और पूरा यहाँ पे यू कैन वॉक हुआ हियर। बट इवन नाउ इफ यू लुक डाउन एंड सी वेयर द वाटर इज नाउ, वॉक डाउन टू नॉर्थ बीच एंड कम बैक, यू विल सी दैट इट हैज लोअर्ड।
नीचे जाते हैं, अभी 1 बजे सबसे हाईएस्ट टाइट था यहाँ पे, और अब यहाँ पे ये लो टाइट स्टार्ट हो चुकी है। इसे ये और एक ऑब्जर्वेशन डेक के नीचे की ओर वहाँ पे जा रहे हैं। ये देखिए लो टाइट स्टार्ट होते होते यहाँ से पूरा पानी निकल चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। अब ये लो टाइट स्टार्ट हो चुकी है तो पानी यहाँ से निकलते हुए अब ये यहाँ तक आ चुका है अब, और जैसे जैसे लो टाइट होती जाएगी ये पूरा समंदर पीछे की ओर जाएगा और हम यहाँ पे वॉक भी कर पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे लोग आ चुके हैं इतना, जहाँ पे लो टाइड आ गई। जब हाई टाइड 1 बजे थी, जबकि अब अभी 2:30 PM हुआ है, 1 बजे वो यहाँ तक पानी आ चुका था। ये वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट हाई टाइड और लो टाइड सबसे जल्दी होने वाला ये प्लेस है। यहाँ से और नीचे की ओर जा सकते हैं हम, तो हम नीचे जहाँ पे वेव्स आ रही है वहाँ पे जा रहे हैं। तो गाइस अब मैं नीचे की ओर आ गया हूँ यहाँ पे, और जहाँ पे रॉक्स है, और ये देखिए अब पानी अब धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहा है, और लो टाइड्स शुरू हो चुकी है जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये नीचे उतरने के बाद का नज़ारा, ये रॉक्स के नीचे जैसे देख सकते हो आप, ये पूरे रूट्स है इसके, ये देखिए कैसे रूट्स है इसके। गाइस तो अभी ये लो टाइड हो गई है, और भी आगे लो टाइड होने वाली है। तो देखिए पहले ये पूरा पानी यहाँ तक था, बहुत आगे तक था, लेकिन अब ये पीछे की ओर चला गया है। ये थोड़ा अंदर की ओर जाते हैं। जब हाई टाइड था तो ये पूरा का पूरा एरिया पानी के अंदर था, अब ये लो टाइड कितने फास्ट ग्रेजुअली ये होते रहा है लो टाइड, और अभी हुआ है समय 3:30, तो 1 घंटे के अंदर ये पूरा पानी देखिए कितना लो टाइड हो गया। ये पहले पूरा एरिया में पानी था, और अब यहाँ पे यहाँ तक चला गया और पीछे की ओर जा रहा है ये, अमेजिंग फास्टेस्ट हाई टाइड एंड लो टाइड इन द वर्ल्ड। पूरा पानी के अंदर था अभी, आप देखिए ये काफी स्लिपरी है ये। ये देखिए यहाँ भी पानी चला गया है, यहाँ से भी पूरा लो टाइड हो चुका है। तो जब हम यहाँ पे आए थे तभी ये पूरा पानी से भरा हुआ था, बिल्कुल हम यहाँ पे नहीं आ सकते थे। यहाँ पे जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले देखा था मैंने वीडियो में, यहाँ से लोग कायक लेके जाते थे, और अब यहाँ पे देखिए पूरा पानी निकल चुका है, अमेजिंग। और यहाँ से इसका व्यू देखिए कितना खूबसूरत व्यू यहाँ से है। पहले यहाँ पे पानी था, और अब यहाँ पे यहाँ से खड़े रह के मैं इसका व्यू ले रहा हूँ, अमेजिंग। दिस इज़ द प्लेस जहाँ से हम नीचे उतरे थे, कि और पानी पीछे की ओर जाता हुआ, दिस इज़ रियली अमेजिंग। 1 hour 30 minutes में पूरा लो टाइड हो गया है यहाँ पे। यहाँ से निकल रहा हूँ, और ये आखिरी नज़ारा ले लेते हैं इसका।
पूरी लो टाइड हो चुकी है अभी। अब वहाँ की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर, और रिटर्न होते हैं। अभी ऑब्जर्वेशन डेक पे मैं वापस आ गया हूँ। यहाँ से देखिए आप, पूरा लो टाइड हो चुका है और यहाँ पे पूरा पानी यहाँ से निकल चुका है। इनफैक्ट अभी भी पूरी लो टाइड नहीं हुई है, अभी जो 3:40 PM और ये 6 o'clock तक लो टाइड है आज, जो कि वो पानी पूरा यहाँ से आगे तक जाएगा। तो ये सारे के रॉक्स जो है, सारे के सारे पानी से निकल जाएंगे। जैसे कि ये यहाँ से पानी चला गया, वैसे वो वाला रॉक से भी पानी चला जाएगा। सो दिस इज फास्टेस्ट हाई टाइड एंड द लो टाइड इन द वर्ल्ड। सुपर, अभी भी लोग यहाँ पे आए हुए और ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि और पानी पीछे की ओर जाए और वो लोग ये नज़ारा देख सकें। गाइस, यहाँ पे उन्होंने पानी की ये सुविधा रखी हुई है ताकि आप यहाँ पे अपने शूज़ और चप्पल वगैरह धो सकें, क्योंकि नीचे कीचड़ में चप्पल आपके गंदे हो चुके थे। तो ये यहाँ पे ये सुविधा भी है। सो गाइज, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और घर जा रहा हूँ। होप ये आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग संजय का व्लॉग्स।